समाजवादी पार्टी में लगता है कि अब एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति हो रही है। टीम शिवपाल और अखिलेश आर्मी के बीच एक बार फिर जंग तेज हो गई है। तभी तो मुलायम संदेश यात्रा में सपा के प्रदेश अध्यक्ष के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और पार्टी से बर्खास्त नेता पवन पांडे को समाजवादी रथ पर सवार कर लिया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अब शिवपाल यादव के आदेशों की नाफरमानी में लगी है अखिलेश एंड टीम। समाजवादी पार्टी में यह क्या चल रहा है? प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के आदेशों की नाफरमानी क्यों? समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किए गए नेता को कैसे मिली रथ पर जगह? मुलायम संदेश यात्रा में मंत्री पवन पांडे का क्या काम? ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है यदुकुल में चाचा भतीजे के बीच जंग कभी थमी ही नहीं थी। शिवपाल यादव ने पवन पांडे को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन पवन पांडे अखिलेश कैबिनेट की शोभा बढ़ाते रहे। शिवपाल ने पवन पांडे को कैबिनेट से हटाने के लिए चिट्ठी भी लिखी, लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की चिट्ठी पर ध्यान ना देते हुए पवन पांडे को कैबिनेट में बनाए रखा। लेकिन अब मुलायम संदेश यात्रा में शामिल होकर पवन पांडे शिवपाल यादव को मुंह चिढ़ा रहे, अखिलेश एंड कंपनी प्रदेश अध्यक्ष के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे। पवन पांडे भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और दोबारा चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं और पार्टी में अब जलता रहता बात हो जाएगी, पार्टी माफी हो जाएगी, फिर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल जी का आदेश मानेंगे, नेता जी का आदेश मानेंगे सब। विकास यादव के बयान से सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद सपा के प्रदेश अध्यक्ष के कद से बड़ा है? विकास यादव क्या अपने कद को सपा के प्रदेश अध्यक्ष के कद से बड़ा मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के कद को क्या विकास यादव नहीं जानते? फिर शिवपाल के आदेशों को दरकिनार कर इतना बड़ा बयान कैसे दे रहे हैं विकास यादव? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी में हो क्या रहा है? क्या सपा में फिर से खींचतान शुरू हो गई है? क्या अब शिवपाल यादव के फैसले को तवज्जो नहीं दिया जा रहा? क्या सपा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति हो रही? फैजाबाद में जो तस्वीरें दिखी वो तो यही बयां कर रही। समाजवादी पार्टी में अब टीम शिवपाल और अखिलेश आर्मी के बीच फिर से जंग तेज हो गई है। मोहम्मद तनवीर, समाचार प्लस, फैजाबाद।